लेवरी वन वेलकम टू एड यू टैप सो इन टू डेज फिफ्टी डेज फिफ्टी मार्क्स सीरीज विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक सरफेसी एक्ट तो सरफेसी एक्ट जो है वो लाया गया जून ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी में तो अगर एक बैंक ने कोई लोन दिया है उसमें डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो बैंक के पास ऑप्शन है या तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास चला जाए अगर ट्वेंटी लाख या उससे ज़्यादा का अमाउंट है जो रिकवर करना है अगर उसे कम है तो कोर्ट जाना पड़ता है लेकिन सरफेसी एक्ट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपना पैसा रिकवर करने का ऑप्शन देता है बिना कोर्ट या डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाए लेकिन ये ऑप्शन तभी अवेलेबल है अगर आपका जो लोन है वो सिक्योर्ड लोन है बैंक ने कुछ चीज़ को एज अ सिक्योरिटी रखवा के लोन दिया है अनसिक्योर्ड अगर क्रेडिट है वहां पे सरफेसी एक्ट के थ्रू एक्शन नहीं लिया जा सकता ठीक है तो इस का फुल फॉर्म क्या है सरफेसी का सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट तो पहले वाले जो सिस्टम से इतने एफिशिएंट नहीं थे इसलिए सरफेसी एक्ट को लाने की जरूरत पड़ी कि आप अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्स कर सको कि वो जो एसेट गिरवी है उसको बेच के अपना तुम पैसा रिकवर कर लो बिना कोर्ट जाए ओके तो और एक सेंट्रल रजिस्ट्री बनाने की भी बात की गई है उसका भी हम अभी डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहले सिक्योरिटाइजेशन का क्या मतलब होता है सिक्योरिटाइजेशन एक प्रॉपर एक प्रोसेस है जिसके थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपनी इलिक्विड एसेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रेडेबल सिक्योरिटीज में और उन्हें इन्वेस्टर्स को सेल कर सकते हैं या मान लो एक बैंक है वो होम लोन देता है उसके बदले में लोग लो, लो अपने घर गिरवी रख देते हैं बिल्डिंग्स लैंड गिरवी रखते हैं ठीक है अब ये बैंक का एक सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया उस घर के अंदर उस लैंड के अंदर अब ऐसे लोन्स आने में कितना टाइम लगता है कभी एनपीएज हो जाते हो और लोन्स तो होते भी दस दस पंद्रह पंद्रह बीस बीस साल के लिए तो ये इलिक्विड एसेट्स होगी जो मॉर्ज है तो बैंक्स क्या करेंगे अपने जो मॉर्गेज के राइट्स हैं किसी एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी को दे देंगे एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज इनके अगेंस्ट सिक्योरिटी रिसीट्स यानी कि ट्रेडेबल सिक्योरिटीज इशू करेंगे क्वालिफाइड बायर्स को क्वालिफाइड बायर्स पैसा देंगे एआरसी को एआरसी जो है वो फिर पैसा बैंक को प्रोवाइड करेगा तो इन लिक्विड को लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट कर दिया कि जो मॉर्टगेज राइट्स हैं उनके अगेंस्ट सिक्योरिटी रिसीट्स इशू करो बायर्स को क्वालिफाइड बायर्स को और फिर आपकी इन लिक्विड एसेट्स के अगेंस्ट आपका पैसा रेस हो जाता है ठीक है फिर आता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स का देखो अब रिकन्स्ट्रक्शन में ना कोशिश करी जाती है कि जो डिस्ट्रेस्ड एसेट्स हैं कुछ उसमें से वैल्यू रिकवर हो जाए अगर लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होकर पैसा रिकवर हो सकता है तो वैसे कर लिया जाए अगर मैनेजमेंट चेंज हो सकती है अगर आ, कुछ पोर्शन सेल ऑफ किया जा सकता है डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन रीनेगोशिएट किए जा सकते हैं तो वो किए जाने चाहिए ताकि लॉसेस को मिटिगेट किया जा सके वे जितना भी एटलीस्ट मैक्सिमम वैल्यू रिकवर हो सकता है वो रिकवर किया जा सके अगर कोई कंपनी ने बैंक से लोन लिया दस करोड़ का अब वो कंपनी का सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है तो क्या उस लोन के टर्म्स को रीनेगोशिएट कर लें क्या उसकी मैनेजमेंट को चेंज करने की जरूरत है कंपनी के क्या लोन को रिस्ट्रक्चर करें या लोन को डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर लें ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं फिर है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्री इस्टेबलिशमेंट ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्री की बात करी गई है सरफेसी एक्ट में कि एक सेंट्रल रजिस्ट्री होनी चाहिए कि अगर कोई सिक्योरिटाइजेशन रीकंस्ट्रक्शन होती है कोई भी चीज़ को गिरवी रख के सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है तो वो सारी इन्फॉमेसन एक सेंट्रल रजिस्ट्री के पास होनी चाहिए और अभी हमने एज अ सेंट्रल रजिस्ट्री किस को किया है सरसी को सेंट्रल Of Asset and of India. तो अभी हमने घर के अगेंस्ट किसी भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तो ये बात सरसी को बताई जाती है इससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन्ड होती है आपको पता लग जाता है बैंक को कि कहीं ये घर ऑलरेडी कहीं गिरवित तो नहीं रखा गया कहीं डबल ट्रिपल लोन तो नहीं ले रहा इंसान से अगेंस्ट

एसेट है उसके अंदर सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड है अगर उसका अमाउंट एक लाख से कम है या फिर अगर पर्सन ने जो बोरो सारा लोन चुका दिया सिर्फ ट्वेंटी परसेंट से कम का लोन बचा है कि दस करोड़ का लोन लिया था सिर्फ पचास लाख बचे तो फिर वहाँ पर सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है अगर आपने एग्रीकल्चरल लैंड को एज अ सिक्योरिटी रखा है उस पर भी सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है और सिर्फ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए है अनसिक्योर्ड अगर लोन है उसमें सरफेसी एक्ट नहीं लगता है

अनपेड सेलर के अगर राइट्स हैं वहां पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा सरफेसी एक्ट नहीं लगेगा मान लो मैंने किसी से एक करोड़ के गुड्स खरीदे उसको बोला बाद में पे करूंगी ठीक है मैंने इन्हीं गुड्स को गिरवी रख के लोन ले लिया और बाद में लोन का पैसा भी नहीं चुकाया तो ये बैंक ना इस लोन की रिकवरी के लिए सरफेसी एक्ट के अंडर एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि अनपेड सेलर जिससे मैंने गुड्स लिए थे उसको पैसा भी नहीं दिया था उसके हक है गुड्स के ऊपर बैंक अपना हक नहीं ला सकता अनपेड सेलर का हक पहले है अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ठीक है अगर जो लोन का अमाउंट है जो एसेट है एक लाख रुपए से ज्यादा नहीं है एग्रीकल्चर लैंड गिरवी रख के लोन लिया गया है वहां पे सरफेसी एक्ट नहीं होता है अमाउंट 20 परसेंट से कम का बचा है तो फिर सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है मान लो अंडर सरफेसी एक्ट बैंक क्या करेगा आपकी जो आपने सिक्योरिटी गिरवी रखी थी लैंड गिरवी रखा था घर गिरवी रखा था उसको अपनी पोजेशन में ले लेंगे और अपना पैसा रिकवर करेंगे लेकिन अगर आपको एज अ बॉरवर लगता है कि जो एक्शन लिया गया है बैंक के द्वारा अंडर सरफेसी एक्ट वो सही नहीं है आपकी जो सिक्योर्ड एसेट है जो एसेट को पोजेशन में ले लिया वो सही नहीं है तो आप डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाके अपील कर सकते हो तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल अगर कोई ऑर्डर पास करता है आपको पसंद आ गया फिर तो ठीक है अगर आपको अपील करना है या बैंक को अपील करना है तो विद इन थर्टी डेज अपील किया जा सकता है ऑर्डर आने के ऑर्डर की कॉपी मिलने के थर्टी डेज के बाद आप अपील करोगे फिफ्टी अमाउंट पे करके मान लो कि मैंने अपील किया था बैंक के अगेंस्ट कि इन्होंने जो मेरी पोजेशन ली है गलत ली है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बोलता सही ली है आपको बैंक को पच्चीस लाख पे करना है मुझे ये बात पसंद नहीं है मुझे अपील करनी है तो मैं अपील करना चाहती हूँ एपलेट ट्रिब्यूनल में लेकिन पहले मुझे पच्चीस लाख का फिफ्टी परसेंट यानी कि साढ़े बारह लाख पहले जमा करवाना पड़ेगा फिर मैं अपील कर सकती हूँ मैं एपलेट ट्रिब्यूनल को रिक्वेस्ट करके वो अमाउंट ट्वेंटी तक भी ला सकती हूँ लेकिन अमाउंट तो कुछ जमा करवा के ही अपील होगी ठीक है तो चाहे बैंकिंग कंपनी है नेशनाइज बैंक है एस स्टेट आई है मल्टी बैंक है सभी रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास डेट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल के पास अगर डेट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया तो वो फाइनल होता है लेकिन अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है क्या आपको लगता है कि एक्ट में कोई गड़बड़ है लॉ में कुछ इशू है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो विद इन फोर्टी फाइव डेज ठीक है और किसी की अथॉरिटी नहीं होती है इसके अंदर नो सिविल कोर्ट और अथॉरिटी टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर ऑन विच डी आर टी डी आर ए टी है उनके पास पावर है तो वही एक्सरसाइज करेंगे कोई और इंटरफेयर नहीं करेगा कोई कोई इंजंक्शन uh, नहीं लगा सकता स्टे ऑर्डर नहीं लगा सकता ओके okay, अब इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सिक्योरिटाइजेशन तो मैंने बोला था कि आप इलिक्विड एसेट्स के अगेंस्ट लिक्विड एसेट्स ले आते हो पूल करके उनको द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल टू फाइनेंशियल द प्रोसेस ऑफ पूलिंग टूगेदर फाइनेंशियल एसेट्स एंड इशुइंग सिक्योरिटी बाय देम द प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिफाइंग इन्वेस्टमेंट द प्रोसेस ऑफ सेलिंग इक्विटी तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा कि आप अपनी फाइनेंशियल एसेट्स को पूल करते हो और उनके अगेंस्ट सिक्योरिटीज इशू कर देते हो

नहीं ठीक है सरफेसी एक्ट अलाउस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू ऑप्शन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज विदाउट लीगल रिकॉर्ड ऐसा नहीं है सरफेसी एक्ट एम्पावर्स बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एनफोर्स देयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन सर्टेन एसेट विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट तो डी यहां पे आंसर है कि बैंक को ना कोर्ट जाना है ट्रिब्यूनल जाना है जो एसेट गिरवी रखी थी उसकी पोजेशन लो और उसके थ्रू अपना पैसा रिकवर करो ये किया जाता है सरफेसी एक्ट में ठीक है अगला है द सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एस रीकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया यानी कि सरसी को सेक्शन ट्वेंटी ऑफ वॉट सेक्शन ट्वेंटी ऑफ सरफेसी के थ्रू सेंट्रल रजिस्ट्री यानी कि सरसी को सेटअप किया गया है तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है तो ये था हमारा आज का सेशन तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल है पूरी सीरीज है पीपीबी आई एफ एस और आरबी एम की चैनल पर आप देख सकते हैं और यू कैन रिवाइज योर सिलेबस थ्रू दिस सो दैट्स इट फॉर टूडे थैंक यू सो मच